नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित को क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील उर्फ आशीष पाल खुद को क्रिप्टो स्ट्रीट का सीईओ बताता था। आरोपित कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों को राशि दोगुना करने का झांसा देकर रुपए जमा करवाता था। इसका एक साथी पूर्व में पकड़ा जा चुका है। क्राइम ब्रांच को पश्चिम बंगाल की फरियादिया लक्ष्मी शर्मा ने शिकायत में बताया था कि इंदौर की डॉक्टर प्रधान ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर प्रतिदिन 1% और 10 माह में 4 गुना से अधिक मुनाफा देने का झांसा दिया। इसके बाद 8 लाख से ज़्यादा रुपए अपनी फर्म RF3 वर्ल्ड के खातों में जमा कर ना मुनाफा दिया और ना ही राशि वापस की आरोपित की है। फर्जी कंपनी क्राइम ब्रांच की पूछताछ और जांच में पता चला है कि आरोपित की क्रिप्टो स्ट्रीट कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड ना होकर फर्जी कंपनी है, जिसे इंदौर से संचालित कर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी की रजिस्टर्ड कंपनी होना बताकर 3 गुना मुनाफा देने जैसे झूठ बोलकर ठगी करते थे। निवेशते रुपए लेकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा भेजते थे, जिन्हें निवेशकों द्वारा रिडीम करवाने पर पैसे उनके अकाउंट में नहीं आते थे। आरोपित ने इस प्रकार मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 18-20 लोगों को प्रतिदिन झांसे में लेते थे। करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की शिकायतें इनके खिलाफ मिली थी। पूर्व में मुख्य आरोपी डॉक्टर निरंजन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें जो कि साइबर फ्रॉड का मामला था क्रिप्टो स्ट्रीट के नाम से, जिसमें पूर्व में जो एक क्रिप्टो स्ट्रीट के नाम से एक कंपनी बनाई गई और वेबसाइट पर और ऐप को डेवलप करने वाले जो डेवलपर है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उस आरोपी को जो कि गाजियाबाद का मूल रूप से रहने वाला है, पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गाजियाबाद से उसको हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विदित रहे कि जो आवेदिका थी वो लक्ष्मी, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उसने क्रिप्टो स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर शेयरों में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें फिर कंपनी के सीईओ निरंजन प्रधान को गिरफ्तार किया गया था। और निरंजन प्रधान से जब पूछताछ की तो 1 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब इसका पता चला तो उसमें कई आवेदक बिहार के और यूपी के, महाराष्ट्र के भी कई आवेदक इसमें संपर्क किया था, उनको भी जांच में शामिल कर लिया गया है। तो फिलहाल सुनील जो डेवलपर है गाजियाबाद के रहने वाला, उसको फिलहाल इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको 3 गुना प्रॉफिट देने के लालच में इनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया क्रिप्टो करेंसी में और उनके फिर पैसा हड़प लिया इनके द्वारा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।